हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से एक नई स्नैक्स रेसिपी के साथ हाजिर हैं जो बहुत फेमस भी हैं। इसको कहते हैं केरला बनाना चिप्स। आपने बेकरी वगैरह में देखे होंगे तो ये 100 ग्राम की चिप्स 40 रुपीज़ में आती है। तो मैंने यहाँ पर 20 रुपीज़ के केले लिए हुए थे, कच्चे केले। हमारे एरिए में बहुत ढूंढने के बाद सिर्फ ये 2 केले ही मिले हैं, तो हम इसी से बनाना चिप्स बनाना सीखते हैं। चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाना को लिया हुआ है, ये कच्चा बनाना है। तो इसको इस तरीके से, इसमें चीरा लगा के इसको इस तरीके से छीलते हैं। आप अगर चाकू से छीलने की कोशिश करेंगे तो इतना आसानी से नहीं छील पाएंगे। तो इसको बीच में से चीरा लगा के चाकू से उसको आहिस्ता से छिलके को निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कटोरे पानी में नमक और हल्दी डाला हुआ है, और इस स्लाइसर की मदद से उस पानी में हम इस तरीके से बनाना को स्लाइस करेंगे। आपने कल की रेसिपी में देखा होगा कि हमने किस तरीके से आलू के चिप्स के स्लाइसेस किए हुए थे, तो उसी तरीके से हम इसके भी स्लाइसेस करेंगे। हम हल्दी और नमक के पानी में बनाना को इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि इसमें जो दूध निकलता है वो बहुत स्टिकी गम की तरह होता है। इस तरीके से हल्दी और नमक के पानी में डालने से सारा दूध निकल जाएगा। तो इसके बाद हम एक कढ़ाई में तेल को डालकर उसको अच्छी तरीके से गर्म करेंगे, और मैंने यहाँ पर नमक और हल्दी फिर से डाल के मैंने इस तरीके का घोल बनाया पानी को डाल के। तो बनाना चिप्स को तेल में डालने के बाद ऊपर से हम 1 या 2 चम्मच हमने जो नमक और हल्दी का पानी बना के रखा हुआ है उसको डालेंगे। तो इस तरीके से बनती हैं ये चीज़, बहुत टेस्टी, सेम बिल्कुल जिस तरीके से बेकरी पर मिलते हैं उसी तरीके से बनी थी। बहुत आसान भी है बनाना और बहुत कम खर्चे में भी बन जाती हैं। 100 ग्राम में सिर्फ इसमें के आधे ही आते हैं। मैंने यहाँ पर 20 रुपीज़ में बनाना को लिया हुआ था, तो उसी से मैंने इतने सारे चिप्स बना लिए। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखाया हुआ था, तो बहुत टेस्टी भी बने थे ये। एक बार आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत आसान है इसको बनाना, आपने देखा ही होगा। तो मैंने बाकी चिप्स को भी इसी तरीके से तल लिए। तो कल की पोटैटो चिप्स जिन लोगों ने भी नहीं देखी होगी आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारी चिप्स को तल लिए। कल के भी पोटैटो चिप्स बहुत टेस्टी बने थे, कम खर्च में ढेर सारी चिप्स। अभी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ था केक के वीडियोस बनाने के लिए, तो मेरे पास उतने ऑर्डर्स नहीं हैं, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ को सीख रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ ताकि आप लोग भी सीख सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी कुरकुरी बनी थी ये बनाना की चिप्स, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी, जिस तरह मार्केट में मिलती हैं उसी तरीके से। तो मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी बनी है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।